सो वेल गाइज, फिर मैं दोबारा आप लोग के सामने आ चुका हूँ। और आज जो है इंग्लिश आप कैसे नहीं बोलोगे इसके ऊपर मैं आज से मैं आपको इंग्लिश बोलवाना शुरू कर दूंगा। वन सेंटेंस टू सेंटेंस आप जितने भी बोलोगे आज के बाद आप इंग्लिश बोलोगे, जिससे भी बात करोगे आप इंग्लिश में बातें करोगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं एक शॉर्ट स्क्रिप्ट लिख करके आया हूँ कि उस शॉर्ट स्क्रिप्ट को आप पूरे अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हो कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है गाइज। आप अपने डेली लाइफ में अपनी स्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हो, तो किसी का रिकमेंडेड था उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और बहुत ही बेसिक तरीके से। आई होप आपको ये सब आता होगा, जिसको नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए मैं एक एक चीज़ें शुरू से स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले हम कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम मिले। सो लेट्स गो। आज मैं एक छोटी सी स्क्रिप्ट देने वाला हूँ, ताकि आप बहुत ज़्यादा आपको हेजिटेशन हो जाती है इंग्लिश में बोलने। सामने वाला बंदा कोई आता है और आपको इंग्लिश से ही बात करने लगता है ना, इंग्लिश से ही बात करने लगता है वो बोलता, और आप क्या आप डर जाते हो कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है। तो ये वर्ड आप थोड़ा, आपको सिर्फ वीडियो को 2 से 3 बार देखनी है, रटना नहीं है। जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आपको, आपको डर आती है ना इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश में बातें करने में आपको डर लगती है ना, डर लगती है। चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 2 बार या 3 बार आपको वीडियो को देख लेनी है। आप किसी से भी फेस कर सकते हो, आपको डर लगता है ना 2 मिनट बात करने के लिए, 1 मिनट में आप लगता है कि हाय रे क्या हो गया, है ना। तो चलिए हमारा फर्स्ट स्क्रिप्ट क्या है जान लेते हैं, ओके। सबसे पहले हम किसी बंदा से मिलते हैं या कहीं हम जा रहे होते हैं, ठीक है, कोई बंदा जिसको इंग्लिश आती है, सबसे पहले हमारी बात क्या होती है, हेलो। उसके बाद आप रिपीट क्या करते हो, हाय हाय। कोई कहता है हेलो, आप क्या करते हो, हाय। ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। अगले वाले बंदा क्या बोलता है आपको, हेलो आप क्या करते हो, हाय। उसके बाद जब दोनों से मुलाकात हो जाती है, जब आप दोनों नज़दीक आ जाते हो, तो उस वो कहता है कि वाला बंदा आपको क्या बोलता है, हेलो हाउ आर यू, क्या बोलता है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ये बहुत बेसिक तरीका है गाइज, आपको बेसिक तरीके से ही वीडियो को देखनी है, ठीक है। इस बंदा ने हमसे पूछा कि हे हाय हाउ आर यू, मैंने क्या कहा उसके बदले में, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, ओके। हम आई एम के साथ सिर्फ आपको लगाना क्या है, आई एम बक लेना है आपको, ठीक है ना। 3 से 4 बार इसे याद कर रहे हैं, आई एम बहुत काम आने वाली है गाइज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आई एम फाइन बोलना है, या आई एम गुड, या आई एम वेल, ओके। सो सामने वाला बंदा ने आपसे क्या पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, ऐसी चीजें हमारे सामने वाले बंदा ने बोल रहा है। तो हमने क्या जवाब दिया उसको, आई एम गुड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, उसने तो आपसे सवाल किया, आपने जवाब दे दी, फिर आपने क्या उससे पूछा, एंड हाउ आर यू, और आप बताओ आप कैसे हो, उसने भी वही जवाब दिया। उस बंदे ने कहा एक वर्ड एक सेंटेंस इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है गाइज आप देख सकते हैं, आई एम एल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, है ना, क्या बोल रहा है, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी इसीलिए उसने लगाया क्योंकि सबसे पहले उसने आपसे कुछ पूछ चुका कि आप कैसे हो, तो आपने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, और उसके बाद आपने भी उससे क्वेश्चन किया आप कैसे हो, उसने कहा आई एम एल्सो फाइन, क्या, आई एम एल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, आई एम एल्सो गुड, आई एम एल्सो वेल। ये चीज़ें आपको 2 बार 3 बार देख लेनी है, वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ बीच में एल्सो जुटाए, उसने कहा आई एम एल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी फाइन हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको कोई वर्ड ना आता, है ना, अब हो सकता है कि आपको कोई सेंटेंस ना आ रहा हो, कोई अब वर्ड नहीं आ रहा आपको, आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पा रहे हो, आपको डर लगने लगे कि इससे आगे हम क्या बोलें, इससे आगे हम क्या बोलें, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो गाइज ये वर्ड आपको थोड़ी याद कर लेनी है, सॉरी लास्ट में इस वर्ड को बार बार आपको बोलनी है, क्या बोलनी है, सॉरी
सिंपल से तरीके से बोलना है तो आपको बोलना है सॉरी आई एम बिजी, सॉरी आई एम बिजी, माफ कीजिएगा मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, कोई भी काम चीज में हम व्यस्त हूँ, सो आपको क्या करना है सॉरी आई एम बिजी। या ये चीज़ आपको ज़्यादा हार्ड लगता है तो आपको एक चीज़ और बोलनी है, क्या सॉरी, क्या बोलनी है सॉरी आई हैव नो टाइम, क्या बोलनी है गाइज आई हैव नो टाइम, इसका मतलब हो जाता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, आई हैव सॉरी आई हैव नो टाइम, माफ़ कीजिएगा मेरे पास अभी समय नहीं है। उसके बाद ये चीज़ें बोलने के बाद आपको बोलनी क्या है श्योर गाइज, सिर्फ बोलनी आई टॉक टू लेटर, क्या बोलनी आई टॉक टू लेटर, थैंक यू, इसके इसको बोलने के बाद क्या बोलना सॉरी आई एम बिजी, आई टॉक टू लेटर, सॉरी आई एम बिजी, सो आई टॉक टू लेटर, थैंक यू, ये बोल करके आपको निकल जानी है। मतलब यहाँ से आप सोच पा रहे हो कि हम यहाँ के बाद बोल ही नहीं सकते हैं, तो आपको ये वर्ड यूज करके आपको निकल, अरे यार सामने वाला बंदा सोचेगा बंदा बहुत इंग्लिश आता होगा, वो बंदा आप सोच भी नहीं सकता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, वो ये सोचेंगे इस बंदे को बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है, ये तो इतनी अच्छा इंग्लिश बोल के निकल गया, इसने कहा माफ कीजिएगा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ये चीजें आप बोल करके निकल गए तो सामने वाला बंदा सोचेगा नहीं इस बंदे को बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है, वो शक भी नहीं कर पाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, और आप भी अपने आप को फील अच्छा महसूस करोगे, आप भी अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, नहीं मुझे भी, मैंने भी जितने भी सारे सेंटेंस बोला इंग्लिश में बातें की वो बहुत अच्छी थी, क्या ये बोलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्या, हमारे साथ रिपीट कर लो ना, जितनी भी बार मैंने आपको रिपीट करके बताया रिपीट कर लो हमारे साथ, बोलते चलो, देखिए कैसे नहीं आता इंग्लिश। और नेक्स्ट इसी तरह मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लाने वाला हूँ, सो गाइज प्लीज़ अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो फिर चलिए हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग से मुलाकात करते हैं।